में बह गए गरीबों के आशियाने। आधा सैकड़ा से अधिक परिवार फरियाद लेकर पहुंचा पूर्व मंत्री के घर। बता दें कि पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के घर बीती रात आधा सैकड़ा परिवार बेघर होने के बाद फरियाद लेकर पहुंचा है। फरियादियों ने कहा कि वह गुलाब नगर के पास झुग्गी झोपड़ी बनाकर अपने परिवार के साथ रहते हैं, जहां पीते दिवस पानी गिरने के साथ ही उनके सामान पानी में कागज की नाव की तरह बह गए और उनकी झोपड़ियां पानी में समाहित हो गई। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के घर पर याद लेकर पहुंचे लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार के द्वारा क्रश पाइप सड़क में डाल दी गई है और जैसे ही पानी गिरा उस पाइप का पूरा पानी झुग्गी झोपड़ी में दबा लगा कर निकल गया। अब वह बेघर हो चुके हैं। अब इस बारिश में गरीब परिवार के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो चुकी है। अपनी फरियाद लेकर बाल बच्चों के साथ गुलाब नगर के आशियाना गार्डन के पास बसने वाला परिवार पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के घर फरियाद लेकर पहुंचा था, जहां उन्हें क्या जवाब मिला, आइए सुनते हैं इनकी जुबानी। अनुराग मिश्रा सबर सेना से, इन सब को आप थोड़ा सा दिखाइए, ये सारा घर पानी में डूब गया है इस रोड की वजह से। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, यहाँ का विधायक या सांसद? और सबसे बड़ा जिम्मेदार उसकी बनती है जो इस रोड का ठीका लिया है, 3 साल से बना रहा है। दिखा दीजिए इनको इस रोड की पानी की वजह से। इधर लाइए मोबाइल। सबके घरों में पानी घुसा हुआ है, ये देखिए रोड का पानी है। और हम सब अब जा रहे हैं विधायक जी माननीय राजेंद्र शुक्ला जी के घर पर, इनको न्याय दिलाने के लिए। इनकी क्या व्यवस्था है, क्या इनके जान माल, ये गरीब है तो इनकी जान की कोई कीमत नहीं है, इनके बाल बच्चों की कोई कीमत नहीं है, इसका ध्यान माननीय मंत्री जी को, पूर्व मंत्री जी को रखना पड़ेगा। जितने जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, चाहे सरकारी अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इनकी मदद करें। अब ऐसी स्थिति में कैसे ही अपने घर में रात में सो पाएंगे, अपने बच्चों को लेकर कैसे रह पाएंगे? सुबह से बेचारे बिना खाना खाए बिना पानी पिए ऐसे ऐसे दुपट्टा बैठे हुए हैं। हम लोग मंत्री जी के यहाँ, पूर्व मंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं, ये इस रोड की वजह से ये कारकुनी हुई है। अगर विधायक जी चाहते तो ये ऐसा हाल नहीं होता। चलिए हम लोग राजन शुक्ला के यहाँ चलते हैं। से जो रोड ये बन रही है, नेशनल हाईवे माननीय मंत्री जी के द्वारा बनाया जा रहा है जी। तो उस रोड की वजह से वहाँ पे एक पानी निकालने का स्थान बना दिया गया है। उस पानी की वजह से सब इनके घरों में और इनके परिवार में जितने सदस्य रह रहे हैं सब बारिश के कारण परेशान हो चुके हैं जी। और रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी खाने की सामग्री थी पानी की वजह से बह गई है। आप छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हैं, इनके सर तक पानी है। बताइए अगर कोई डूब गया, मर गया, कुछ भी हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मैं यहाँ माननीय विधायक जी के पास आया हूँ कि वो हम सबकी थोड़ी बहुत मदद कर सकें, ताकि किसी तरह इनका जीवन यापन हो सके। आप बताइए क्या दिक्कत हो रही है आपको? हमारा लड़का है, वो में पानी इतना बड़ा है, किसकी लापरवाही है? लापरवाही रोड बन रही है, रोड की लापरवाही है। उधर वो पानी निकालने का स्थान बना दिया गया, पूरा पानी आ रहा है, रोड है उधर, रोड के कारण पानी निकाल दिया गया है। तो देखते हैं विधायक जी हम लोगों की कितनी मदद कर पाएंगे, उस हिसाब से अब हम लोग उनके यहाँ जा रहे हैं जी। अब सारे साथी गए हैं, देखते हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? हमारा गुड़िया नाम है। आज विधायक जी यहाँ रात में आई हैं, क्या समस्या आप लोगों? अरे सब मर लड़का बच्चा लगे बैठ लगा पड़े हैं, नहीं तो विधायक जी के घर में खाएगा नहीं है ना, पानी है ना कुछ हुआ, बर्तन तो सब बह गए। क्या घर गिर गया आप लोगों? सब गिर गया। कैसे? इतना पानी भरा है, पानी की वजह से रोड के कारण से। विधायक जी ने क्या कहा अभी मुलाकात हुई आपकी? विधायक जी या कहीं नहीं, हट जाओ। खाने पीने की कोई व्यवस्था? कौन व्यवस्था नहीं है दादा भाई। क्या नाम है आपका? अनुराग मिश्रा नाम है मेरा। विधायक जी के घर आप सभी लोग रात में आए हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि गुलाब नगर आशियाना गार्डन जो बना हुआ है वहाँ पे, तो ये जो रोड बन रही है, रोड की वजह से वहाँ पे ठेकेदार ने क्या किया है, ढोलक डाल दिया है, जो कि पूरा बहाव इन बस्ती की तरफ आ गया है। जैसे मान लीजिए छोटे छोटे बच्चों के डूबने का भी डर है, और इन लोगों का तो पूरा सर सामान, यहाँ तक खाने की जितनी व्यवस्थाएँ थी सब बह गई हैं, चूल्हा से ले कर कपड़ा से ले कर जो भी व्यवस्था हो,
सब बह गई। अब बेचारे सुबह से भीग रहे हैं, जब से बारिश हो रही है सब परेशान होकर भीग रहे हैं। अभी मंत्री जी के पास आए हैं, पूर्व मंत्री जी के पास जी, क्या आश्वासन दिया? मंत्री जी ने ये कहा कि हम लोगों की जो मांगे थी, मंत्री जी ने कहा कि हम खाने की व्यवस्था करा सकते हैं, बाकी कोई भी व्यवस्था हमारी तरफ से जो होगा कल होगा, लेकिन आज कुछ नहीं हो पाएगा। और सिर्फ अगर ज़्यादा नेतागिरी करोगे तो वो भी नहीं व्यवस्था होगी, आपको रहना है तो रहो, नहीं तो जाना हो तो चले जाओ यहाँ से। इतने बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे रात में? अब क्या बताएं, विधायक जी ने तो ये कहा कि भाई आपको यहाँ नेतागिरी करनी हो तो ठीक है, नहीं करनी हो तो यहाँ से लेके चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से। उन्होंने हमारी मांगे ये हैं कि अगर ये नुकसान जो हुआ है तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और ठेकेदार की वजह से नुकसान हुआ, आप भी मौके पर जाके देख सकते हैं। तो जितना भी जो भी नुकसान हुआ है, जैसे इन्होंने अपनी झुग्गी या बस्ती जो भी बना के बेचारे गरीब यापन कर रहे थे अपना जीवन यापन, तो जिस तरह पहले था उसी तरह करके इनकी व्यवस्था बना के दे दी जाए। जो बर्तन गायब हो गए हैं, कपड़े बह गए हैं या बर्बाद हो गए हैं, इनकी बस्ती जो पन्नी से बना के रखे थे, भोजन जो भी चीज़ें बर्बाद हुई वो सारी चीज़ें, ये सब मजदूर, ये सब वही रहते हैं वहाँ, करीबन 60-70 लोग रहते हैं और ये सब वही मजदूर।